पंचायती राज विभाग में क्रियान्वयन योजनाओं का शिलान्यास का जो शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए मैं विभाग को इसके लिए बधाई देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, और इसके अलावे यहाँ उपस्थित हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माननीय मंत्री ललित कुमार यादव जी, और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, और यहाँ उपस्थित हैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो पहले के पूर्व मुख्य सचिव हैं श्री दीपक कुमार जी, और यहाँ उपस्थित हैं बिहार सरकार के मुख्य सचिव जवान जनाब अमीर सुभानी साहब, और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं डॉक्टर श्री एस सिद्धार्थ जी, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, वित्त एवं योजना विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, जो पंचायती राज विभाग के निदेशक श्री आनंद शर्मा जी, और मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, मुखियागण, सरपंच एवं पंचगण, वार्ड पार्षदगण, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिला पदाधिकारीगण, अन्य पदाधिकारीगण, पंचायती राज विभाग के उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं कर्मीगण, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अंकेक्षणगण और विशिष्ट अतिथिगण, और मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, आज आपने ये कार्यक्रम किया है और बहुत अच्छा है। अब कार्यक्रम के सिलसिले में अभी तो सबसे पहले माननीय मुख्य सचिव ने बहुत बातें कही, और जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी, और जो ज़रूरत है उसके बारे में चर्चा की है, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो भी संभव है काम किया जा रहा। अब आप जानते हैं कि पंचायत सरकार भवन हम लोगों ने नाम दिया, आप जानते हैं केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये मेरा ही किया हुआ है पंचायत सरकार, हमने पंचायत भवन नहीं नामकरण किया, पंचायत सरकार भवन। हम पंचायत को ये इज्जत और प्रतिष्ठा देने के लिए हमने कहा सब जगह पंचायत सरकार भवन बनाएंगे, तो पंचायत सरकार भवन का निर्माण शुरू हुआ। तो हम तो चाहते थे बड़ा तेज़ी से काम हो, लेकिन उसमें जितना काम तेज़ी से हो जाना चाहिए था अब वो सब नहीं हो गया। अब जो बात समझ लीजिए कि हम लोगों ने सबसे पहले 1517 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है, अब सब 857 भवनों पर काम चल रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विश्व बैंक के लोगों को भी जब पता चला कि हम पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं तो बड़ा खुश हुआ, और उन लोगों ने ही हमको कह दिया कि हम 330 पंचायत सरकार भवन में बनाने में सहायता देंगे। तो ये सब हुआ, तो ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन अब मेरी जो इच्छा है, विभाग और चीफ मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पाए मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री तो हम ही हैं फालतू, लेकिन मुख्य सचिव हम बोल रहे हैं, और यहाँ पर विभाग के सब अधिकारी हैं। देखिए मेरी इच्छा है जरा जल्दी काम शुरू। अब जितना भी हो गया है, आज हम पूछे थे कि कुल कितना काम हो गया है, तो वही आपको बता दिए 1517 बन गया और 857 और बन रहा है, और आज 2000 पंचायत सरकार भवन करने का आज शिलान्यास हो गया। लेकिन जो बाकी बचा हुआ है समझ लीजिए तो 3683 पंचायत का, तो हमने ये कह दिया है कि उनका भी पंचायत सरकार भवन, मेरी तो इच्छा थी 24 तक करने की, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि 25 तक कर देंगे। अगर मेरा सुझाव मानिए तो इसी साल शुरू करा दीजिए, समझ गए ना, आपको इसीलिए हम बुलाए हैं माननीय मंत्री वित्त विभाग, हम बोल रहे हैं सब लोगों को, वो सब अधिकारी को हम बुलाए हुए, तो जरा सा भाई एकदम पूरे तौर पर अगर शुरू कर दीजिएगा तेजी से तो मुझे बड़ी खुशी हो जाएगी।
तभी तो हमको कहा है, आज ही हम कह रहे थे कि जब बताइए क्या है, तो हमको कहे कि 2025 तक करेंगे। तो भाई 2025 तक करिएगा, लेकिन अगर अगले साल तक कर दीजिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो हम तो चाहेंगे आपसे कि आज 2000 का शुरू कर दिया गया, तब जो बच गया समझे वित्त विभाग वाले, और सब आपका डिपार्टमेंट है, देख लीजिए बाकी जो बचा हुआ है आपका 3683, अब उसका तो आप जगह चुन लीजिए, देर क्यों हो रहा। जिसके नाम पर पंचायत है तो बहुत दिन से कोशिश की जा रही है कि जो पंचायत के नाम पर जो है वहीं पर बनेगा। हम तो शुरू से कहें, अगर सपोज करिए कि वहाँ जगह नहीं मिल पा रहा है तो उसी पंचायत में बगल में जहाँ जगह मिले वहीं बना दीजिए। तो हम तो पहले ही से कहें, कई बार मीटिंग किए, तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि आप एक महीने के अंदर बाकी जगहों का चयन कर लीजिए, और आप समझ लीजिए कि बाकी सबका शुरुआत आज जो करा रहे हैं डेढ़ महीना के अंदर, मतलब इसी साल वो भी करा दीजिए और बड़ा तेजी से काम करवा दीजिए। अरे पहले तो हम लोग बनवा रहे थे, अब बीच में दे दिए थे पंचायत को, अब हो ही नहीं रहा था। और हम तो जा करके एक एक जगह जो देखे हैं कि भाई पंचायत सरकार भवन का विस्तार और आगे बढ़ाने की बात हमने की है, तो उसको ध्यान में रख करके आप अन्य जगहों का भी चयन कर लीजिए और उसका भी शिलान्यास डेढ़ महीना के अंदर करवा दीजिए, और अगले साल कृपा करके 2024 के अंत तक इसको पूरा, काहे नहीं पूरा होगा जरा बताइए तो जमीन का क्या दिक्कत है, जमीन ही ना अभी खोज लीजिए ना, जमीन काहे नहीं मिलेगा, मैं इतना दिन से कह रहे। आप बोले नहीं पंचायत सरकार भवन का नामकरण मैंने कब किया, आप सोच लीजिए इतना दिन बीत गया है, 16 साल हो गया है बेमतलब का, अभी तक हुआ नहीं है। तो हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम तो सबका चाहते हैं ना। आज जो जो चीज देखने जाते हैं पंचायत सरकार भवन का, जब सुनिए सुनिए आप ध्यान दीजिए, पंचायत सरकार भवन जो बनता है, अगर हमको कहता हम उसका उद्घाटन करने जाते हैं, और शुरू से पंचायत सरकार भवन का एक एक चीज देखने जाते हैं, और ये सब के सब लोग उसमें जितने भी हैं मुखिया लोग जो भी हैं, सरपंच पंच सब के सब लोगों को, और उसके अलावा तो और बहुत चीज़ों को हम लोगों ने कर दिया, तो जितने काम की व्यवस्था कर दी गई है तो सब काम के इंतजाम के लिए हमने बार बार न कह दिए हैं कि और भी काम वहाँ पर कर दीजिए। तो उन सब चीज़ों के लिए भी, तो जितना भी काम हो रहा है उन सभी चीज़ों को कर देने के लिए हम लोग बाकी सब जो कर दीजिए कि तेजी से काम हो जाए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और इसके लिए जो भी आपको पैसे की ज़रूरत, आप बता रहे हैं अभी कैबिनेट होने वाला ना है, कैबिनेट नहीं मतलब होने वाला है ना असेंबली, तो अगर जो भी ज़रूरत है कहिए, आपको इसके बारे में जो सहयोग है वो प्रदान करवा दिया जाएगा। हम इसलिए ना बुलाए हुए वित्त विभाग के, वित्त के माननीय मंत्री जी को, कि आप चलिए कि आपको मदद करेंगे और तेजी से इस काम को प्लीज आश्वस्त करते हैं ना, अगर अगले साल तक हो जाए, नहीं तो आप तो रिटायर करने वाले हैं अगला बार, आप तो इसके पहले कर दीजिए ना, तो कितना खुशी होगी, कितना भाषण अभी दिए हैं, एक एक बात बोले हैं, एक एक बतवा बोले हैं, तो अपने टाइमा में करवा दीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं, ले करके चलेंगे हम जनवरी में फिर। और सब जगह काम शुरू किए कि नहीं किए, सब जगह जा करके हम लोग देखेंगे कि सब जगह देख लीजिए तो शुरू करा दीजिए क्या। हम और ही ना कह रहे हैं, खाली पंचायतें वाले को, उसके अलावा भी और लोगों का भी ना व्यवस्था करवा रहे हैं, सब तरह का इंतजाम ना करवा रहे हैं जी, जिसमें सब तरह का लोगों को रहने का इंतजाम करवा रहे हैं, सब तरह का जो सुविधा दे रहे हैं लोगों को, तो हर तरह का इंतजाम वही ना करवा दे रहे हैं। तो इसीलिए और ऊपर में तो हम चाह ही रहे हैं कि सब जगह करवा देंगे हम लोग टॉप लेवल पर भी, तो जो सौर ऊर्जा के लिए छत के ऊपर, तो उसके लिए भी सब कुछ सबके ऊपर सोलर प्लेन आदि पैनल लगाए जाने के बारे में भी कह दिए कि सब जगह लगवा दीजिए, सबको सुविधा होगी। तो इस तरह से और कहीं भी किसी पंचायत में
कहीं कोई नुकसान पहुंचता है, बाढ़ सुखाई सब की नौबत आती है तो लोगों को रखने के लिए भी करते हैं कि उस समय ही नहीं रहेगा, तो सब तरह का इंतजाम तो किया ही गया है। तो इस सब को ध्यान में रख के हुए उसका विस्तार करने के लिए तो अभी सब 2000 वाले से शुरू है। अब बाकी भी जितना बना है उसके बारे में हमने कहा है कि उसका आपको भी एलिवेटेड हम लोगों को कर देना, तो आप जरा देख लीजिए जो भी पैसे की ज़रूरत है हम लोग दे देंगे। लेकिन भाई अगर करिएगा, अभी पंचायत राज विभाग के मंत्री दूसरा दूसरा बात बोल रहे हैं, तो असली चीजवा जो मेरी इच्छा है शुरू से जी, अयंगर हो ना है, हम तो कब से किए, जब हम शुरू कराए थे उसमें तो ध्यानों नहीं होगा, तब आपको मंत्री बनाए हुए हैं तब आपको सब चीज़ पता चल रहा है, ये तो भाई पुराने आदमी हैं तो जानते ही हैं सब चीज़ों को, तो आप भी जानिए, जरा घूमिए सब जगह और कहीं भी कोई कमी न रहे तेजी से देखिए, और कहीं भी आपको दिक्कत हो तुरंत आइए मेरे पास भी आके कहिए। यहाँ पर जो भाषण देने में कह रहे हैं उसकी क्या जरूरत है, आके हमको कहना चाहिए कि यहाँ पर हम सब जगह देखें, हम जैसे इसी बार जो घूम रहे थे तो सबसे पूछे नहीं है बेचारे को, तो हम तो सारे लोगों का समाधान यात्रा में भी तो सबका करे है ना। अब आजकल जिसको हम लोग बना दिए हैं बेचारे, तो जितने भी हमारे पंचायत उनचायत वाले हैं, आप उन लोगों के मन में है कि हमारा बढ़ाइए, तो देखो भाई पंचायत वाला चुपचाप अभी काम करो, आ इसको लेकर के कोई अंड बंड कहता है कि बढ़ाइए, तो आप सबको तो वो नया चीज न दिए जी, आज तक कभी पंचायत में इतना था कुछ था, आ कितना ज्यादा महिलाओं को हमने कर दिया 50% आरक्षण, आ कितना सब कुछ करा के सब काम हो रहा है, इसलिए चिंता मत करिए, जो भी करना होगा आपके हित में किया जाएगा, लेकिन बिना मतलब का। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब पहले वाले लोग तो पुरनका चीजवा को देखते थे समझते थे, आजकल सब मोबाइल पर देखते रहता है और उसी में लिखते रहता अंड बंड, और उसी को देख करके करता, दर ध्यान रखिए, पूरे गांव में घूमिए, जो भी चीज है उसको भी देखिए, और आप चिंता मत करिए, हम लोग जो भी आपको सरकार की तरफ से देते हैं अगर आपको हमको बढ़ाना होगा तो आप मांग मत करिए, ये मेरी इच्छा होगी, हम मांग जितना दिन करते रहिएगा उतना दिन छोड़े रहेंगे। या अच्छी तरह जान लीजिए के किया है आपको, बोलिए हम ही ना किए हैं सब चीज जी, इतना ज्यादा पंचायत का बोलिए, और देश में कहीं हुआ जितना बढ़िया हम किए हैं, तब मांग मत करिए कि हम लोगों का थोड़ा बढ़ा दीजिए, अरे हम तो अपने बढ़ा देंगे, अगर मांग करते रहिएगा तो गलत बात है, तो कौन सलाह देता है, हम तो सबको कहेंगे किसी के चक्कर में मत पड़िए, और खूब काम करिए, खूब मेहनत करिए। अब बोलिए हर घर नल का जल हम बनवाए तो 50% हमने दे दिया पंचायत और नगर निकाय को, और तीन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ था उसको हम दे दिए ये डिपार्टमेंट को PhD को। लेकिन अब इस बार जो हम देखे कि हर बार पंचायत 5 साल के बाद तो बदल जाता है ना, तो देखने वाले और तो कहीं पर कुछ गड़बड़ा जाता, हम देखे इस बार तो हमने कहा कि पूरा का पूरा जहाँ कहीं भी छूट गया है उसको और उसका पूरा का पूरा मेंटेनेंस, यही जो इनका विभाग है जो है लोक, इनका जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, हम इन्हीं को कर दिए हैं। अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में एक तो आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं सबका चर्चा हो गया, वो तो काम करेंगे, अब इसके लिए और भी जो मदद होगी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उसको राज्य सरकार करेगी, और बाकी जो आपसे आता है और उससे जो फायदा लोगों को मिलेगा तो आप चिंता मत करिए, हम लोग सब मेंटेनेंस करेंगे, और उससे जो भी आमदनी होगी आपको पंचायत को लाभ मिलेगा। आप इस मत बोलिएगा कि आपको और भी कोई काम करना है तो पंचायत को पैसा देते हैं ना जी, कितना पैसा देते हैं पंचायत को हम लोग सरकार की तरफ से, हर पंचायत को तीन स्टेज पर है और नगर निकाय सबको दे देते हैं, तो हम लोग तो वो सब भी आपको मदद कर देंगे, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिएगा, आज जरूरत पड़ेगा आपको जो पैसा देते हैं हम बढ़ाएंगे, लेकिन मांग उंग मत करिए, समझ गए, फालतू बात मत किया करिए, ये सब करेंगे, ये सब चीज मत करिए,
लोगों के हित में है, नहीं तो सब के सब बिना मतलब के करेगा। बोलिए करके डिले कर रहे हैं। मांग बंद करिएगा, हम तो करने वाले थे, आपको पता ही नहीं है कि हम बढ़ाने वाले थे, लेकिन जब मांग करने लगा तब के छोड़ दीजिए। अब बंद करिएगा तो ऐसे ही आपको फायदा हो जाएगा, ये मत सोचिए। अब जो भी हम जानते हैं, हम लोग यहां पर जो काम कर रहे हैं और जो केंद्र सरकार है उसने कोई काम किया जी, अब कोई मदद है उसका, लेकिन वो लोग सबसे ज्यादा मीडिया पर कब्जा कर लिया है, तो अनाप शनाप प्रचार करता है और अब सब लोग सोशल मीडिया को देखते रहते हैं और उसी में बोलते रहते हैं। अब लोग कोई मदद करता है और उसी चक्कर में कोई सलाह दे दिया हो कि जरा मांग करो, और वही पटिया वाला कहीं कहीं नीचे कहवा दिया होगा, ये सब बकवास है। अब पार्टी के आधार पर हम लोग करते हैं जी, और दूसरे राज्यों में बोलिए जो भी चयन होता है पार्टी के आधार पर ना होता है। अकेला हमने बिहार में न कहा कि ना सब इंडिपेंडेंट होगा, तो सबको इज्जत जो हम लोग दे रहे हैं, कोई वो किसी पार्टी का हो तो जरा मेरा सुझाव स्वीकार करिए, बहुत इज्जत हम लोग देंगे और आगे भी देंगे। तो काहे नहीं मुस्कुरा रहे हैं, है? सब चुपचाप स्वीकार है, तो सब लोग जरा पूरे तौर पर समझिए। आज जितने हमारे सरकारी अधिकारी भी मौजूद हैं उनको भी कहेंगे जरा घूमते रहिए, लोगों को सलाह देते रहिए, और किसी तरह का कोई दिक्कत किसी को होता है आप बताइए, आपको मालूम नहीं है अगर किसी का कोई जो जीत के आता है और उनका निधन हो जाता है तो उनको हम कितना मदद करते हैं, पहले ही से तय किए हुए, अब आगे के लिए करते हैं, उसके परिवार के लिए भी, वो तो अलग बात है, लेकिन हर महीने कुछ करना है तो किया जाएगा। और जितना ज़्यादा पंचायत को हम पैसा दिए हुए हैं आपको काम करने के लिए, एक वो चीज़ है, और यह हर घर नल के जल से जो आएगा उससे जो आमदनी यानी प्रकार की है, तो हम लोग तो सब मेंटेनेंस वेंटेनेंस हम लोग कराएंगे, आप चिंता मत करिए। आज जो भी होगा वो भी एडिशनल होगा, और मिल माल करके हम सब तरह का सहयोग और मदद करेंगे, समझ गए ना, हम करने वाले थे तो हम दोहरा के कह रहे हैं, इधर कोई कोई मांग किया तो छोड़ दिया, अब जिस दिन बंद कर दीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। इसलिए शांत रहिए, सब चीज सबके हित में है और सबके लिए हम लोग काम करते हैं। और कोई दिल्ली वाला वो लोग को इधर से उधर बाएं दाएं करेगा तो आपको कुछ देगा जी, खाली प्रचार ही ना होता है, जो केंद्र से जो मिलता था राज्य को आजकल मिल रहा है, जो शेयर है राज्य का हिस्सा है 41% मिलता है अब, तो ये सब बिना मतलब का इधर उधर हो रहा, तो काहे सब कर रहे हैं, हम लोग तो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। अब बिहार जो गरीब राज्य था उसको कितना बढ़ाए, आप सब भूल गए कि जब हम आए थे उस समय क्या था, बजट कितना था जी, 21-22 हजार, 21-22 हजार का बजट था समझे, 2016 में हम आए, अब बढ़ते 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 आज कितना हो गया, 2,63,000 का। तो राज्य सरकार मेहनत कर करके अपनी तरफ से इतना काम कर रही है, तो भूल मत जाइए, ये मत समझिए कि दिल्ली का कोई पैसा है, सब हम लोग यही कर रहे हैं जो हम लोग अब लोग काम कर रहे थे। हर घर नल का जल तो केंद्र वाला भी शुरू किया, अब बाद में वो पैसा देने लगा कि ले लीजिए हर घर नल का, हम कहें ना लेंगे हम पैसा, हम तो अपना हर घर नल का जल, तो कहता हम एक एक को हर घर नल का जल दिए, तो वो दिया, हर घर तक बिजली पहुंचा दिए, तो एक एक काम जो कर रहे हैं 7 निश्चय में जो हमने 15 में ऐलान किया, और जो जो काम करा रहे हैं, और जितना ज्यादा, अब पहले क्या था जी, कहीं घर में जाने का रास्ता था, हम जब एमपी थे तो अपने क्षेत्रवा में घूमते थे, केंद्र में हम मंत्री रहते थे एमपी तब भी आते थे शनिचर को और जाते थे, तो आपको मालूम है किसी दिन
मैंने समझिए 12 किलोमीटर, किस दिन 14 किलोमीटर हम पैदल चलते थे अपने क्षेत्र में। आवाज जरूरत पड़ता है कहीं जी, तो कितना बिजली करवा रहे और कितना ज्यादा हम लोग सड़क बनवा रहे हैं, कितना पुल पुलिया बनवा रहे हैं, ये पंचायत वाले भूलिए मत, कितना ज्यादा काम हुआ। लड़कियां कितना कम पढ़ती थी और लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो हमने व्यवस्था किया और उसको जो साइकिल देना शुरू किया, बोलिए इसके पहले कहीं कोई साइकिल चलाती थी? और जब बिहार में पहली बार लड़कियों को साइकिल दिया गया तो यहां विदेश से लोग आए देखने के लिए और इसकी प्रशंसा किए। आजकल कोई बोलता है जो बिहार में हम लोगों ने काम शुरू किया और बाद में लड़कों ने भी डिमांड किया 1100, उसको भी हम लोगों ने दे दिया पैसा। अब आप सोचिए कितना ज्यादा मेहनत, कितना बढ़िया हो रहा और कितना ज्यादा है, हर गांव की स्थिति बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, आने जाने का सुविधा। हम लोग सब सड़क का भी करवा रहे हैं, न सिर्फ मेंटेनेंस बल्कि उसको और बेहतर करने के लिए, और जहां जरूरत पड़ेगा उसका विस्तार भी करेंगे। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, जहां किए उसके आगे कर रहे हैं। हम तो आपको इसीलिए सब बोल रहे हैं कि जो काम शुरू किया गया उन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। आजकल कुछ होता है, कोई बुचा अंड बंड बुला देता है और उसी पर बोलने लगते हैं, तो भूल गए कहां से शुरू है, कुछ था पहले। आज अब शुरू करके यहां तक हम पहुंचा दिए, अब जो भी है उसका और विस्तार करेंगे। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि अपना देखते रहिए, जो भी मोबाइल तोबाइल देखना हो देखते रहिए, लेकिन भूलिए मत जो काम 6 से हम लोगों ने जितना ज्यादा बढ़वाया है उसको भूलिएगा मत। और कितना ज्यादा बढ़वा रहे हैं अब बोलिए, अब सबसे दूर वाले जगह का हमने करा दिया कि 6 घंटा मैक्सिमम पटना आने में, अब उसके बाद उसको आगे और आगे बढ़वा रहे हैं कि 5 घंटा सबसे दूर से। तो एक एक काम हम लोग करवा रहे हैं, तो सबके सुविधा के लिए करवा रहे हैं, हर पंचायत के लिए करवा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो क्यों हम पंचायत में जाकर देखते हैं जी, एक एक जगह जा करके देखते हैं। और कैसे हम लोगों ने बनाया, स्वयं सहायता समूह, जीविका नामकरण किया, जीविका दीदियां कितनी बड़ी संख्या में, गरीब परिवार के 1,30,00,000 से भी ज्यादा, और सबको काम दे रहे हैं। अब आजकल जान रहे हैं आप, दिल्ली वाला कुछ जीविका दीदियों में से भी कुछ लोगों को खोज करके उल्टा पुल्टा करवाने के चक्कर में, आज जिस दिन वो इधर उधर उल्टा पुल्टा करेगी तब भूल जाएगी कि कौन किया। अब आप बताइए कोई साल है जहां हम पूरे राज्य में जाकर के सब जगह जीविका दीदियों से बात करते हैं, सुनते हैं? आजकल केंद्र वाला अंड बंड प्रचार करेगा, तो जितने लोग हैं अगर आज की बैठक में सब जो है जिला परिषद के सदस्य हों, पंचायत के मुखिया जो भी हों, सब लोगों को कहेंगे कि इन सब चीजों को भूलिएगा मत, जो काम राज्य सरकार कर रही है यही करेगी, अन्यथा राज्य सरकार को खत्म करिएगा। तो इसके बाद आपको पता है दिल्ली वाला कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसा ना मीडिया पर कब्जा किए हुए अपना, तो बेचारा प्रेस वाला से भी देखिए ना क्या हाल है, बुरा हाल है सबका, उसको भी कहता है कि तुमको यही देना है। अब हम ही लोग हैं, देहा पर भी लोग हैं, तो मेरा थोड़ा सा छाप देगा लेकिन कुछ नहीं उसके आगे छापेगा, और उसको दिल्ली में भी पता चल जाएगा तो कहेगा इसको बंद करो, इसको मत चला। तो आजकल यही चलता है, तो कुछ पता चलेगा जितना हम लोग काम करते हैं। तो कहीं तो सब तरह से काम कर रहे हैं, एक चीज को देखिए, और कहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है तो सब तीनों चीज का आज आप लोगों को करवा दिए हैं शिलान्यास। तो हर तरह से सब तरह से अब पंचायत का तो हम बता दिए, और जितना भी है पंचायत पोर्टल का और सब कुछ को करवा रहे हैं, तो जितने लोगों का भी और ट्रेनिंग व्रेनिंग सब करा दिया गया है, तो इस सब लोगों को बिल्कुल ज़्यादा करके, और जिनको सरकारी अंकेक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है, और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 366 सरकारी अंकेक्षकों की बहाली की गई है। अब जितना भी आगे और जरूरत पड़ेगा किसी की बहाली का तो हम लोग सब करवाएंगे, तो ये सब करेंगे, आपके हित में काम करेंगे।
आज जितना काम हो रहा है तो हम तो ये करवे करेंगे, लेकिन जितने लोग हमें सबसे अनुरोध करेंगे कि सबका पंचायत सरकार भवन ठीक से बन जाए और उसका ठीक ठाक मेंटेनेंस भी होगा और सब लोग बैठेंगे, और आप जानते ही हैं कि सब तरह के लोग उन सब पंचायत सरकार भवन में रहते ही हैं। और दूसरी बात आप जानते ही ना कि हम जो 7 निश्चय 2 में सब जगह लगवा रहे हैं आपको सोलर लाइट, तो हर पंचायत में पर हर इसमें वार्ड में तो हम तो वार्ड में भी जाकर के देखा कि हमको जरूरत पड़ेगा तो 10 से आगे बढ़ाइएगा, वो भी करेंगे। तो एक एक चीज का करवा रहे हैं, वो भी काम बहुत तेजी से हमने कहा है कि वो भी काम कर देंगे। तो शाम में किसी को दिक्कत होगी, शाम में सब तरह रोशनी दिखेगा, आप बिना मतलब का बिजली का उपयोग मत करिएगा, आराम करिएगा। अब बिजली के उपयोग के लिए भी तो हम लोग चाह रहे हैं कि सौर ऊर्जा का प्रयोग हो तो छत पर भी लगाने के लिए, जितना सरकारी बिल्डिंग है उस सब में तो लगवा ही रहे हैं। हम प्रेरित करेंगे हर लोगों को कि अपने घर में भी लगाइए। आपको मालूम है कि एक समय आएगा तो जो बिजली है तो जिससे उसका निर्माण होता है, एक समय आएगा उस समय तक वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मुख्य चीज क्या है, जो सौर ऊर्जा, तो वही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको भी बढ़वा रहे हैं। तो एक एक चीज को देख लीजिए, किसी और को तो ये सबका ध्यान नहीं है, हम करेंगे, किसी को अच्छा लगेगा तो पता चलेगा कि वहां से भी कहने लगेगा कि इसी को करिए, और बाद में कहेगा कि बस वही लोग कहे हैं, और हम लोग जो कर रहे हैं उसको कोई को कहेगा कि नहीं, नहीं तो सब भी कौन कर रहा है जी सौर ऊर्जा का काम। और यहाँ पर लोगों को बिजली तक पहुँचाने के लिए जो उपाय जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए हर तरह से जो भी काम हम लोग कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान दे दीजिए। तो जो कुछ भी है अब आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा, तो पहले से भी बता दिए हैं, अब कितनी ज़्यादा महिलाएं, तो सब तरह से सब जगह सक्रिय न है ये, तो सब तरह से पुरुष हो स्त्री हो, अब कितना ज़्यादा आगे एक्टिव हो गई, इसलिए सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ भी हो कि अब तो आप जानते ही हैं कि आपको सबको पंचायत बिहार पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिया गया है हर तरह से, तो इसलिए अनुरक्षकों का भी चयन कर लिया गया है, तो हर तरह से और भी जो ज़रूरत पड़ेगा जहाँ उन सब चीज़ों को हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और बाकी कोई कमी नहीं हो और सब लोग आगे बढ़िए, यही हमारा कहना है। और जो भी हमारे अधिकारी हैं उनसे हम यही कहेंगे कि भाई ज़रा तेज़ी से काम कराइए, अगर करा दीजिएगा तेज़ी से तो हमको बड़ी खुशी होगी। नहीं तो जानते हैं बिजली वाला तो हम क्या कर रहे थे, जितना तेज़ी से हम कर रहे थे, एक एक आदमी को जो बिजली का देते हैं तो उसके लिए जो हम लोगों ने किया था देने का जो मीटर, प्रीपेड मीटर, तो उसमें भी हम कहा कि जल्दी कर दीजिए, तो इतना कम लगेगा, अभी कभी किसी को ज़्यादा पैसा आ जाता है फालतू बात, अब वो रहेगा तो जितना वो खर्चा करेगा उतना ही आएगा। तो इसलिए हम सब चीज़ के लिए चाहते हैं बहुत तेज़ी से, ताकि हम मंत्री जी को बुलाए हुए थे, तो मंत्री जी कहीं बाहर चले गए थे, नहीं तो उनको भी हम कहने वाले थे, उन्हीं से करवाने पड़े थे कि इन सब चीज़ों को करिए, लेकिन आज नहीं थे बेचारे, तो खैर हम आपको इतना बता दे रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो महामहिम मुख्य सचिव महोदय, हम आग्रह करेंगे कि पूरा का पूरा रोज आप मीटिंग कीजिए, आप तेज़ी से काम करिए। आप मंत्री जी आपसे यही करेंगे, कोई दिक्कत हो तो वित्त मंत्री जी से भी बतियाइए कहीं कोई दिक्कत हो, और आपको कहीं कोई दिक्कत आवे हम सब बात बता दिया, तो कहीं इधर उधर किसी के कहने के चक्कर में मत रहिएगा, हम सबके पक्ष में आज भी बता दिया, अगर कहीं कोई समस्या रहे सीधे तुरंत आकर के बताइए। और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को और काम था, अब लोक स्वास्थ्य विभाग के अभियंत्रण विभाग के हमारे मंत्री हैं, अब कितना ज़्यादा एक एक जगह का मेंटेनेंस कितना बढ़िया ढंग से होगा, तो ये भी आज मौजूद है सब होगा। इसलिए आज तो लोगों का जो हो रहा है, अब हम तो कह रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल अंत में भी कहते हैं कि आज तो बहुत अच्छा कर रहे हैं,
2000 का, अब बाकी जो बचा हुआ है उसका भी इसी साल में तय कर लीजिए कि अन्य जगहों पर भी इसका निर्माण हो जाए, माने पुलिस पुलिस सरकार राज्य इसका पंचायत सरकार भवन, तो हम तो लोगों को बता दिया पंचायत सरकार भवन, इसलिए जो भी पंचायत के अधिकारी ये सब लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं आप सब लोग, आप सोच लीजिए कि आपको कितना बड़ा स्टेटस हम किया है, इसलिए आपको तो हम इज्जत करते ही रहते हैं, करते रहें, लेकिन आप लोगों को कोई समस्या आवे कहीं पर भी आप तुरंत हमारे ऑफिस को भेजिए, अगर किसी तरह का आपको कोई समस्या लगे हमको पता चलेगा तो घूमते घामते भी हम जाकर देखेंगे। तो ये कहना चाहते हैं, इसलिए आप सब लोग बुलंद रहिए और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा, अब बड़ा तेज़ी से सब काम पूरा करा दीजिए, तब हम भरोसा करें ना जी, बोलिए ना जरा, अब हमारा भाषण हो गया, अब आप बोलिए, कहिए कहिए, अब अपर मुख्य जिलाधिकारी लोग भी बात सुन रहे हैं, जमीन तुरंत चयन करके एक से एक महीने के अंदर में हम लोग दोबारा कार्यक्रम लेके आएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए।